पंजाबी स्कूलों में पढ़ाई जानी चाहिए वैसे एक नो मुझे मैं इसकी कोई जरूरत महसूस नहीं करता, मैं खुद पंजाबी हूँ भाई। चलिए आगे, मैं पंजाबी पढ़ा हूँ, ठीक है, मेरे तो ग्रेजुएशन में पंजाबी सब्जेक्ट था, कोई जरूरत नहीं है उसकी, उसमें कोई अलूम नहीं है, उससे हमारे बच्चों के रोजगार में उनकी प्रोडक्टिविटी में कोई इजाफा नहीं होगा। ये मौलवी जिस तरह से अरबी नाफज करना चाहता है, ये पंजाबी लेकर क्या है हमारे पास, पंजाबी में क्या पढ़ाएंगे हम उनको, पक्की रोटी कच्चे पेड़े क्या पढ़ाएंगे उनको, है क्या उसमें? बुल्ला वारिस उर्दू भाई शायरी पे जो है वो कौमें तरक्की नहीं करती, उधर भी जो है वो हाफिज और खयाम पढ़ा के देख लें फारसी में। जुबान वो तरक्की करेगी जिसमें इल्म जनरेट किया जा रहा है, इसमें पंजाबी उर्दू या फारसी या पश्तो या सिंधी का मामला ही नहीं है। तो जब हम इल्म को ट्रांसलेट ही नहीं करेंगे रीजनल लैंग्वेज में, इल्म तो को ट्रांसलेट करने का इतना क्वेश्चन नहीं है भाई अमार, इल्म को असिमिलेट करने का क्वेश्चन है। हमारा मसला यह कि हम इल्म के फवायद को ट्रांसफर करना चाहते हैं, जो इल्म के बुनियादी मफरूजे हैं उनको रेजिस्ट कर रहे हैं, बेसिक पासवर्ड्स जो है मॉडर्निटी के और मॉडर्न एपिस्टेमोलॉजी के हम उन्हें रेजिस्ट कर रहे हैं, हम उन्हें गलत कह रहे हैं। हमारी जो इल्मी पसमानदगी वो इस वजह से नहीं है कि हम उर्दू में हैं या हम पंजाबी में हैं। उसके नाम पे कोई सियासत करना चाहता है तो वो बिस्मिल्लाह करे, हम तो जुबान की सियासत को तीन जुबानों की बर्डन तो हो गई ना, तो माँ की जो जुबान है उसमें क्यों ना तालीम दी जाए। माँ की जुबान में मेरे लिए फिर माँ की जुबान क्या होगी, मेरी माँ तो सिंधी बोलने वाली थी, मेरा बाप पंजाबी में होनी चाहिए, मेरा बाप पंजाबी था, वो मेरी माँ से जो पंजाब में आ गई। मैं आपसे ये बहसें बहुत पुरानी हो चुकी हैं, ये रेलेवेंट नहीं है, आप इसे फिर किसी वक्त के लिए रखते हैं।